फटाक 30 सेकंड में पूरी खबर डाउनलोड करें ताकि आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार में विधान परिषद के 24 सीटों के मतदान को लेकर सियासत तेज है। महागठबंधन के साथ साथ एनडीए खेमे में भी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर माथापच्ची का दौर चल रहा है। बेशक विधान परिषद के चुनाव में डायरेक्टली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना कैंडिडेट नहीं उतारती, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सभी पार्टियां अपने कैंडिडेट को मैदान में उतारती है और इसमें खाली हुई 24 सीटों पर एनडीए में जेडीयू बीजेपी के साथ साथ हम वीआईपी की भी कुछ सीटों पर नजर है। हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि एनडीए में कहां बात फंसी है, कौन सी पार्टी क्या दावेदारी कर रही है। बिहार विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकार से खाली हुई 24 सीटों पर मतदान होना है। बिहार विधान परिषद में कुल 75 सीटें हैं, जिनमें से जो 24 सीट खाली हुई है, इसमें देखिए एनडीए में किस दल के पास कितनी सीट थी जो अब खाली हुई है। स्थानीय प्राधिकार से निर्वाचित होने वाली 24 सीट खाली हुई है, जिसमें से बीजेपी के खाते की 12 सीट खाली हुई, जेडीयू की 6 सीट खाली हुई है। वहीं हम और वीआईपी के कोटे से कोई भी सीट इनमें से खाली नहीं हुई है। अब आपको बता देते हैं कि इन 24 सीटों के खाली होने से पहले बिहार विधान परिषद में बीजेपी और जेडीयू के खाते में कितनी सीट थी। तो बता दें कि बीजेपी के खाते में जहां 26 सीट थी, वहीं जेडीयू के खाते में 29 सीट थी। क्योंकि अब जब 24 सीट खाली हुई है और इनमें से 12 सीट बीजेपी के खाते की खाली हुई है और 6 सीट जेडीयू के खाते की खाली हुई है, तो चलिए जान लेते हैं कि अब 24 सीट खाली होने के बाद बिहार विधान परिषद में बीजेपी जेडीयू की हैसियत क्या है। बीजेपी के पास सिर्फ 14 सदस्य हैं, वहीं जेडीयू के पास 23 सदस्य हैं। तो कुल 24 सीट है और इसमें से सबसे बड़ी सहयोगी एनडीए में बीजेपी की है, लेकिन जेडीयू बीजेपी से डिमांड कर रही है कि हमें 50% सीट चाहिए, यानी कि कुल 12 सीट चाहिए। अगर वीआईपी और हमको कोई सीट देना है तो उनको देने के बाद अगर जितनी सीट बचती है उनमें से 50 सीटों पर जेडीयू की हिस्सेदारी बनती है, ये दावा किया गया है जेडीयू के नेताओं के द्वारा। तो जेडीयू की डिमांड ये है कि 50% सीटों पर जेडीयू की नजर है, 24 में से 12 सीट जेडीयू चाहती है। साथ ही आपको बता दें कि हम और वीआईपी भी अपनी डिमांड लेकर सामने है। 2 सीटों पर हम की नजर है, वीआईपी भी चाहती है दावेदारी। पशुपति पारस भी कर सकते हैं कुछ सीट की मांग। इस पूरे मामले पर जेडीयू की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा ने और हम की तरफ से दानिश रिजवान ने अपनी बात रखी है, जरा सुनिए। लोकसभा विधानसभा दोनों चुनाव में 50-50 का रेशियो दोनों पार्टी के बीच में चला है, तो पुराना डिसीजन यही है। आज इस चुनाव को लेकर के अंतिम रूप से जब बात होगी तय होगा, फिर हम बता पाएंगे। लेकिन इस चुनाव में भी तो 50% आप लोग हकदार हैं ना? तो बता रहे हैं कि पुराना निर्णय कहीं भी तब तक इम्प्लीमेंट रहता है, लागू रहता है जब तक नया कोई निर्णय ना हो। तो नया निर्णय तो अभी कोई हुआ नहीं है। विधान परिषद की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक दलों ने कमर कसती है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी 2 क्षेत्रों से अपने कैंडिडेट उतारने को इच्छुक है। इस बात को लेकर के हमने एनडीए में भी अपनी बातों को रखा है और एनडीए के शीर्ष नेतृत्व से हमारा अनुरोध है कि हमारी जायज़ मांग को स्वीकार करते हुए गया सीट और सीतामढ़ी की सीट हमारी पार्टी के खाते में दिया जाए। सभी जो गठबंधन के सहयोगी दल हैं मांग तो कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के जरा धर्म संकट को समझिए। जेडीयू को 12 सीट देने से विधान परिषद में कमजोर होगी बीजेपी। क्या टूटेगा 5 साल से चलता आ रहा बीजेपी जेडीयू का फॉर्मूला 50-50? 2017 के बाद 50-50 के फॉर्मूले पर चलती है बीजेपी जेडीयू। 2019 लोकसभा चुनाव में भी 17-17 सीट पर लड़ी थी बीजेपी जेडीयू, 6 सीट गई थी संयुक्त एलजेपी के खाते में। इसके बाद 2020 विधानसभा चुनाव में भी लगभग 50-50 का था फॉर्मूला। बीजेपी के पास 121 और जेडीयू के पास 122 सीट थी, जिसमें से हमको जेडीयू ने अपने फोल्डर से 7 सीट दी थी। वहीं वीआईपी को बीजेपी ने अपने फोल्डर से 11 सीट दी थी। 2021 में राज्यपाल कोटे से मनोनीत होने वाले थे 12 सदस्य, यहां भी बीजेपी जेडीयू ने अपनाया फॉर्मूला 50-50। बीजेपी जेडीयू ने 6-6 सीट आपस में बांटी। तो देखा आपने कि अब तक किस तरीके से बीजेपी जेडीयू बराबर की सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारते रहे हैं, चाहे लोकसभा चुनाव की बात हो, विधानसभा चुनाव की बात हो, या फिर राज्यपाल कोटे से
एमएलसी के चयन की मनोनयन की ही बात क्यों ना हो, लेकिन इस बार 24 सीटों पर बात फंसी है। पिछली बार भी जब 12 सीटों पर 6-6 सीट बीजेपी जेडीयू ने आपस में बांट ली थी तो वीआईपी और हमने एतराज जताया था। अभी फिर से हम और वीआईपी की तरफ से प्रेशर पॉलिटिक्स का दौर चल रहा है। जेडीयू भी जिद पे अड़ी है कि जितनी सीटों पर बीजेपी अपने कैंडिडेट देगी उतनी सीट हमें भी चाहिए। आगे चलकर बात पसंद की सीटों पर भी फंस सकती है। देखना होगा कि एनडीए पूरे मामले पर क्या कुछ फैसला लेता है, 24 सीटों में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या कुछ होता है। तो इसी तरीके से विधान परिषद चुनाव को लेकर अहम जानकारियां हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहिए बिहार तक।